तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। तो आज हम बनाएंगे व्रत के लिए फलाहारी पकौड़े, जिसे हम बनाएंगे सिंघाड़े के आटे से और ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। आप इसे व्रत में एकदम बढ़िया से बना के इसे खा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, तो चलिए फटाफट से हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है और अब हम इसमें सिंघाड़े का आटा ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंघाड़े के आटे का पैकेट लिया हुआ है, आप चाहे तो खड़ा सिंघाड़ा को भी सिलबट्टे में कूट के उसे ग्राइंड करके फिर छान के भी उससे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 200 ग्राम्स वाला सिंघाड़े के आटे का पैकेट लिया है, तो ये मैं पूरा यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पूरा 200 ग्राम्स का बना रही हूँ और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून सेंधा नमक, 2/3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो यहाँ पे हरी मिर्च भी डाल सकते हैं या फिर आप मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने डाल दिया 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे जो बैटर है वो जो बेसन का जो बैटर हम तैयार करते हैं उससे थोड़ा सा थिक होना चाहिए। और अब हम इसमें डालेंगे धनिया, तो यहाँ पे मैंने धनिया को अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इसे इस तरीके से एकदम बारीक चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे करी पत्ता भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम डाल देंगे धनिया को बोल में और इसे भी एक बार एकदम बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा बैटर जो है एकदम बढ़िया से तैयार है। इसका थिकनेस आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए। और अब मैंने यहाँ पे 2 आलू ले लिए हैं, इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसके बाद हम इसे छील लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पीलर ले लिया, इसकी हेल्प से हम इसे छील लेंगे। आप चाहे तो इसे बिना छिलके भी आप इसे बना सकते हैं और अब हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने ये स्लाइसर ले लिया, तो इस तरीके से हम इसे स्लाइस कर लेंगे। आप चाहे तो इसे नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे स्लाइस कर लिया और एकदम बड़े से इसे वॉश कर लिया, जिससे कि आलू जो है वो काले ना पड़े। और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गैस ऑन कर लेंगे और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिया है, उसमें ऑयल डाल दिया है और ऑयल को हम एकदम बढ़िया सा गरम कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने एक एक करके इस तरीके से हम आलू को बैटर में डीप करेंगे और इसे हम ऑयल में डालेंगे। तो यहाँ पे ऑयल भी गरम हो चुका है बढ़िया से, तो इस तरीके से हम एक एक करके ये सारे पकौड़े को डाल देंगे और हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए एकदम बढ़िया सा गोल्डन कलर आने देने तक दोनों साइड से उलटते पुलटते हुए हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। वैसे तो ये वाले जो पकौड़े होते हैं, आप चाहे तो आलू को एकदम बारीक छोटा छोटा कट करके आटे में मिक्स करके भी आप इस तरीके से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, बट ऐसा वाला जो है ये भी अच्छा लगता है, तो आप इसे भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए पकौड़े को भी एकदम बढ़िया सा गोल्डन कलर आने देने तक एकदम बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। तो आप भी इस नवरात्रि इस व्रत वाली रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।